हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं लीगल अड्डा चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए अपडेट है स्लैट कमीशन आसाम यानी कि स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट कमीशन आसाम की तरफ से। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ। दोस्तों, स्लैट कमीशन आसाम की तरफ से सेट 2021-22 की नोटिफिकेशन निकाली गई है, यानी कि इस नोटिफिकेशन में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021-22 के लिए जो नोटिफिकेशन है वो निकाली गई है। और यहाँ जो पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं यहाँ पे, उसमें है आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम एंड त्रिपुरा। और सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल होंगे इस सेट के पेपर में बैठने के लिए, तो यहाँ वो सभी कैंडिडेट जिनके पास मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है, वो सभी कैंडिडेट इस टेस्ट में बैठने के लिए एलिजिबल है। और उसमें भी जनरल यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के मास्टर डिग्री के दौरान कम से कम 55% नंबर आए हों, और एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी या ओबीसी कैटेगरी से अगर कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है तो ऐसे कैंडिडेट के जो है मिनिमम 50% नंबर अगर आए हैं मास्टर डिग्री के दौरान, तो ही आप इस पेपर में बैठने के लिए जो है वो एलिजिबल माने जाओगे। और इस एग्जाम में ऐसे कैंडिडेट भी जो अपीयर हो चुके हैं या अपीयरिंग है फाइनल ईयर के अपने मास्टर डिग्री के एग्जाम्स में और उनका रिजल्ट जो है वो अवेटेड है, या फिर कैंडिडेट के जो है वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन जो है वो डिले हो चुके हैं, ऐसे कैंडिडेट भी जो है वो प्रोविजनली सेट 2021-22 को जो है वो दे सकते हैं, बशर्ते ऐसे कैंडिडेट को जो है वो अपने मास्टर डिग्री या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का जो है वो पासिंग सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जब ऐसा कोई कैंडिडेट जो है अपना ये सेट का एग्जाम क्लियर करेगा उसके 2 साल के अंदर अंदर। और यहाँ दोस्तों, जो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट जो है वो रखी नहीं गई है। जो भी कैंडिडेट जो है क्वालिफाई करेंगे इस टेस्ट को, वो जो है अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे विद इन द ज्यूरिडिक्शन ऑफ द मेंबर स्टेट ऑफ द स्लैट कमीशन। और जो भी कैंडिडेट इस टेस्ट को पास करेंगे उनका जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी जो है वो हमेशा के लिए रहेगी, यानी कि एक बार कैंडिडेट ने अगर ये टेस्ट क्लियर कर लिया तो ऐसे कैंडिडेट को दोबारा टेस्ट क्लियर करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों, अगर बात करें इस टेस्ट के सब्जेक्ट्स के बारे में, तो इस नोटिफिकेशन में सारे सब्जेक्ट्स के सब्जेक्ट कोड बताए हुए हैं, इन्हीं सब्जेक्ट कोड्स के अकॉर्डिंग कैंडिडेट को अपना टेस्ट का जो है वो सब्जेक्ट चूज करना होगा। और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने एग्जाम सेंटर की लिस्ट भी बताई है, कैंडिडेट को इन्हीं एग्जाम सेंटर्स के अकॉर्डिंग ऑनलाइन अप्लाई करते वक्त अपना एग्जाम सेंटर का कोड जो है वो फिल करना होगा। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें आपकी एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में, तो इस टेस्ट में कुल 2 पेपर कंडक्ट कराए जाएंगे, दोनों ही पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होंगे। आपका जो पहला पेपर होगा ये कुल 100 नंबर का होगा, पहले पेपर में कुल 50 क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे और 1 घंटे का टाइम कैंडिडेट उस पेपर को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। जो दूसरा पेपर होगा कैंडिडेट का वो कुल 200 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे जाएंगे और कुल 2 घंटे का टाइम इस पेपर को पूरा करने के लिए दिया जाएगा। आपके जो यहाँ पे दोनों एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे ये सेम डे जो है वो कंडक्ट कराए जाएंगे अलग अलग सेशंस में। बात करें यहाँ पे सिलेबस के बारे में, तो पेपर वन का जो पैटर्न रहेगा उसमें जनरल सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें कि कैंडिडेट की टीचिंग की या रिसर्च एप्टीट्यूड देखा जाएगा, जिसमें कि बेसिकली रीजनिंग एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंशन, डाइवर्जेंट थिंकिंग और जनरल अवेयरनेस कैंडिडेट से यहाँ पे पूछी जाएगी। और आपका जो दूसरा पेपर होगा उसमें जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन कैंडिडेट से पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन यहाँ पे जो है वो 2 नंबर का होगा, किसी भी पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। तो इस तरीके से इन दोनों ही पेपर के बाद जो है कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी मेरिट लिस्ट के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी वाइज जितनी भी नंबर ऑफ सीट्स हर कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी जाएंगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है कैंडिडेट का फाइनल सिलेक्शन किया जाएगा। अब दोस्तों, अगर बात करें यहाँ पे कैंडिडेट की एज लिमिट और नंबर ऑफ चांसेस के बारे में, तो यहाँ पे कैंडिडेट की कोई भी अपर एज लिमिट नहीं रखी गई है, ना ही कैंडिडेट के कोई नंबर ऑफ फिक्स चांसेस रखे गए हैं, कैंडिडेट चाहे तो कितने भी अटेम्प्ट्स यहाँ इस पेपर को क्लियर करने के लिए ले सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पे बात करें अगर आपकी एग्जामिनेशन या इस टेस्ट की फीस के बारे में, तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो आपकी एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 1200 रुपए रखी गई है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 1050 रुपए रखी गई है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 1050 रुपए रखी गई है, एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो एग्जामिनेशन फीस रखी गई है वो 1000 रुपए रखी गई है, और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो फीस रखी गई है वो 800 रुपए रखी गई है। और यहाँ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2021-22 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 11/11/2021 से शुरू हो चुके हैं और आप 28/12/2021 तक सेट 2021 के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, और 31/12/2021 जो है वो लास्ट डेट रखी गई है आपकी एग्जामिनेशन फीस की पेमेंट के लिए, और आपकी जो टेंटेटिव एग्जाम की डेट बताई हुई है वो 27/2/22 बताई गई है।
और यहाँ दोस्तों इस नोटिफिकेशन में कुछ गाइडलाइन बताई है, कैंडिडेट को इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग जो है अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करें और चैनल के सपोर्ट के चैनल को सब्सक्राइब करें।